शकुन शास्त्र ज्योतिष विद्या का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज मैं आपको ज्योतिष के पुराने ग्रंथों के आधार पर बता रही हूँ काली चिड़िया से जुड़े हुए शकुन अपशकुन। काली चिड़िया अक्सर घर में दिखाई देती है, छोटी सी काली सी चिड़िया होती है जिसकी पूंछ थोड़ी ऊपर होती है। तो ऐसी चिड़िया यदि आपके घर में आपको दिख जाती है तो इससे जुड़ी हुई मैं आज जानकारी आपको देने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ उर्वशी श्री, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, आपका लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और यदि आज आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ काली चिड़िया से जुड़े हुए शकुन की बातें। यदि काली चिड़िया किसी के घर में अंडे देती है और ये समय जैसे सूर्योदय के बाद का समय है तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है जिस घर में काली चिड़िया अंडे देती है, क्योंकि अंडे से बच्चे निकलते हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है उस घर से समस्याओं का खात्मा होने जा रहे हैं, सुख सुविधा उस घर में मिलेगी उनको, और इसके अलावा धनागमन भी होगा, धन का आगमन होगा। घर के सदस्यों के बीच जो भय था वो मिटेगा और स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल बनेगी। कुल मिला के ये जो समय है काफ़ी शुभ माना जाता है जब चिड़िया घर में अंडे देती है। ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि चिड़िया यदि संध्या समय अंडे देती है तो इसका मीनिंग अलग होता है और ये विजयदायिनी माना गया है। ऐसी चिड़िया जब अंडे देती है तो ऐसे जिस घर में अंडे देती है उस घर के लोग विजय को प्राप्त करते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और विजय की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि काली चिड़िया घर के अलावा अगर किसी पवित्र वृक्ष पर अंडे देती है जैसे कि पीपल, आम, बरगद इत्यादि, तो उस समय पर वर्षा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इस चिड़िया के बारे में कहा गया है कि यदि अपवित्र जगह पर भी ये चिड़िया बैठ जाती है तो उस जगह पर खुशहाली ये देती है। तो इस प्रकार से अगर काली चिड़िया जो छोटी सी आती है आप उसको अगर अशुभ समझते हो तो अपने मन से ये विचार निकाल दो, वो चिड़िया बहुत ज़्यादा शुभ होती है और शुभ संदेश को लेकर आती है। तो धन का आगमन होता है, शत्रुओं का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, घर में मिलजुल कर रहने लगते हैं लोग और सारा वातावरण और पर्यावरण बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है।